हमने जब आपको बता दिया था कि केस सॉल्व हो चुका है तो फिर क्या जरूरत थी शुक्ला को इतना मारने पीटने की? जरूरत था मैडम सर, आपके तरीकों से शुक्ला जैसे लोगों को सिर्फ सजा मिलता है, लता जैसी लड़कियों को इंसाफ नहीं, और इंसाफ हमने दिलाया उनको। अब जब जब वो शुक्ले का बच्चा करवट बदलेगा ना तो उसे हमारा मार याद आएगा, और उसको पता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कोई गलती करने का कोशिश किया तो हम उसे जमीन में रेंगने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर सब आपकी तरह सोचने लगे फिर तो हो गया जंगल राज, सब अपनी ही अदालत खोलेंगे, अपना ही इंसाफ खुद करेंगे। हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं करिश्मा सिंह, बदलिए खुद को और अपने इस गुस्से को काबू में करिए। कोई चांस नहीं है मैडम सर। किसी को तो बदलना होगा ना करिश्मा सिंह, आप नहीं बदलेंगी, आपके लिए हम नहीं बदलेंगे, हमारे लिए सरकार और उसके नियम और कानून नहीं बदलेंगे। आप भूल जाती हैं करिश्मा सिंह कि हम आपके सीनियर हैं, आपको हर हालात में हमारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। इसलिए आज के बाद अगर आपने हमारी किसी भी बात को अनदेखा किया तो क्या कर लेंगी मैडम सर आप? हमें सस्पेंड कर देंगी ना? कर दीजिए। वैसे भी कब से आजाद होना चाह रहे हैं हम यहाँ से? सस्पेंशन? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर तो आप हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी करिश्मा सिंह, हम आपको यहीं रखेंगे इस थाने में, लेकिन डेस्क जॉब पर। फिर उस डेस्क को जितना मारना पीटना है जो करना है करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। साला, बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, फाइनली हमें यहां से जाने का मौका मिल गया है। आदमी ये पकड़ो। थैंक यू मैडम। चाय वाले और बिरयानी वाले का हिसाब सेटल कर देना। थैंक यू। हमारे एग्जाम क्लियर होने के बाद ना हमारा प्रमोशन अपने साथ साथ तबादला भी लेकर आएगा, और फिर हम होंगे अपने थाने के SHO। फाइनली हमें ये जज्बातों की जो आइडियोलॉजी है इससे मिलेगी छुट्टी। करिश्मा मैडम, I will miss you, करिश्मा मैडम। हे भगवान, ये दिन देखने के पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान। ए बिल्ले, चुप कर। ये भी कोई रोने वाली बात है? जब देखो तब रोना धोना नौटंकी। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये तो गर्व की बात है ना हमारे लिए। जब करिश्मा मैडम SHO बनेंगी तो सब लोग यही कहेंगे हमारी बहू SHO है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको करिश्मा जी। धन्यवाद पुष्पा जी। इसीलिए तो हमने पहले ही छुट्टी ले लिया एग्जाम के लिए, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके और आप सबके साथ साथ ना इस थाने का नाम भी रोशन कर सके। जी करिश्मा मैडम, आप ये सब भूलिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। अरे हम भी यही कहने वाले थे, सेम टू सेम। हम लोग का सोच कितना मिलता जुलता है संतोष जी। अमा तुम ना इम्प्रेस करना सीखो, कॉपी नहीं। चलो अभी हम चलते हैं, और मौका मिला तो बीच बीच में आते रहेंगे। टाटा बाय बाय। बाय। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक यू। वेलकम। चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना। बाय बाय। देखना हमारे बहुरानी ना अपनी परीक्षा में एकदम भोकाल मचा देगी। Excuse me, ये करिश्मा जी की टेबल कौन सी है? आप कौन, एस्ट्रोनॉट? जी नहीं, मैं सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट से हूँ। उस तरफ। जी। तो संतु, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं कि नहीं?
ये आपके दिमाग में अचानक लड़का कहाँ से आ गया? अरे तो क्या हुआ, बड़े हैं तो चिंता तो होगी ना, अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है शादी की, तो कर लो ना। हर चीज ना सही वक्त पर हो तो ही अच्छी होती। हाँ ठीक, वैसे जैसे आपकी लल्ला की शादी एकदम सही वक्त पे हो गई थी, है ना? अब वो वक्त याद ना दिलाओ हमको, तुम अपना कहो। घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं, पर कोई मिले तब ना। वैसे कॉलेज में एक लड़का मुझे पसंद था, पर फिर वो स्केच आर्टिस्ट निकला। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है, फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा उसे ज्यादा अच्छा स्केच बना ले, तो मैंने क्रॉस मार दिया उस लड़के पे। अब जो किस्मत में होगा ना पुष्पा जी, वो मिल जाएगा। वो तो है। अरे ओ भाई साहब, तब से यार देख रहे तुमको, तुम यहीं पे लगे हुए हो, और भी गंदगी है भाई, और जगह साफ सफाई करो। ए जीते रुक, अरे करिश्मा मैडम के डेस्क के बगल में बिल्लू निवास है, तू सफाई यहीं से शुरू होगी, समझा? ए बिल्लू चुप। देखिए मिश्री मैडम ने मुझे उनका टेबल सैनिटाइज करने के लिए बुलाया है, पूरा थाना नहीं। अब ये कौन है भाई मिश्री? हाँ ये डेस्क हमारी करिश्मा मैडम की है। जी है नहीं, ये थी, लेकिन अब मिश्री मैडम जी की है। मतलब? लगता है आपको न्यूज मिली नहीं अभी तक, डिपार्टमेंट ने करिश्मा मैडम की जगह मिश्री मैडम को भेजा है यहाँ SI की पोस्ट के लिए। Oh, I see. What else? कहते हैं यूपी पुलिस में अगर किसी ने ग्लैमर ऐड किया है तो वो है हमारी मिश्री मैडम। मैं छोड़ दे, आखिर हेलमेट ही तो नहीं पहना, किसी का खून थोड़े ना कर दिया है। वही तो। चलो अब तुम्हारा फैसला भी हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं। देखो अगर टेल आया तो निकल लेना ठंडे ठंडे, लेकिन अगर हेड आया तो ₹1000 का दान करके जाना पड़ेगा, बोलो मंजूर? हाँ। ये आया हेड। अरे रे, अब भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम आज ₹1000 का दान करके ही जाओ, निकालो। ये हुई ना बात, निकलो। तो कब आ रही है आपकी ये मिश्री मैडम यहाँ चार्ज लेने के लिए? में नया दरोगा। आ गई मैडम। जय हिंद। सफाई हो गई मैडम, सब चकाचक कर दिया। वेरी गुड। पौधे भी लाए हैं आपके लिए, गुड लक वाला। बहुत ही बढ़िया। तो हम चलते हैं मैडम। हाँ जी, जय माता दी। तो चलते हैं मैडम। अरे हाँ, सुन लिया, कब से चल रहे कर रहे हो, जरा चल के भी दिखाओ। मैडम पेमेंट? पेमेंट? अरे हमसे पेमेंट मांग रहे हो, पुलिस वाले से? अरे पुलिस वाले से कोई पेमेंट लेता है क्या?
बल्कि उन्हें देना चाहिए। का समझे? अच्छा जाने दो, भगवान से ही पूछ लेते। देखो तेल आया तो डबल पेमेंट लेके जाओगे, लेकिन अगर हेड आया तो पुलिस वाले की सेवा समझ के भूल जाओगे। मंजूर? चलो। लो, ये तो हेड आ गया। देखा, भगवान की भी यही मर्जी। चलिए, जय माता दी। रुको, लोग यहाँ न्याय की उम्मीद से आते हैं, अन्याय सहने नहीं। कितना हुआ जी? 500। जय हिंद मैडम। जय हिंद भाई। कौन हो तुम? सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। अच्छा, आप हैं जिनकी जगह पे हम आए हैं। लगता है आप उनको पहचान दी नहीं, तभी इतना दुस्साहस कर बैठी। अगर जान लेती कि हम किस फैमिली से हैं, कहां तक की पहुंच है हमारी और इस डिपार्टमेंट में कितना वजन है, तब शायद आपकी हिम्मत नहीं होती हमारी जेब में यूं हाथ डालने की। पहले जान लीजिए फिर उलझिए। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, वरना हम तो मिस्री है। पान में मिलाओगे तो शहद, और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। भूलिएगा मत, वरना चेहरे से तो आप खुद ही समझदार नजर आ रही है। आइए, आपको हमारा काम हैंडओवर कर देते हैं। हाँ सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन करिश्मा सिंह अभी लीव पर हैं। वो एग्जाम देंगी, उसे क्लियर करेंगी, फिर उनका प्रमोशन होगा और फिर जाकर ट्रांसफर होगा। उसके पहले ही आपने यहाँ पर किसी को भेज दिया, और वो भी बिना किसी प्रायर नोटिस के। हमें तो अंदाजा भी नहीं था सर। सर आई एम सो सॉरी बट दिस इज नॉट फेयर। ये एब्सोल्युटली गलत है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मिस मलिक, ये मेरा नहीं डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, और यहाँ पे सबको पता है कि करिश्मा सिंह और आप में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और वैसे भी करिश्मा सिंह लंबी लीव पे गई है। अब उनकी पोस्ट संभालने के लिए कोई तो चाहिए। देखिए मिस मलिक, डिपार्टमेंट ने ये बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, एंड यू प्लीज फॉलो द प्रोसीजर। ओके सर। ये वो फाइल है जिनकी सुनवाई अभी चल रही है, और ये वो जिनकी तफ्तीश जा रही है। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, ये सब क्या है? करिश्मा सिंह, आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आप ऑब्जेक्शन लेती तो ये ट्रांसफर रुक सकता था। आप ऑफिशियल लीव पर हैं, ये आपका राइट है। इस तरह से आपकी जगह किसी और को पोस्ट करने का डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं। डिपार्टमेंट ने वही किया मैडम सर जैसा आप चाहती थी। पर इतना जल्दी भी क्या था, थोड़ा वेट तो कर सकती थी ना आप। तो आपको लगता है ये सब हमने किया? क्या फर्क पड़ता मैडम सर, लेकिन बस हमें ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी हमारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगी। वैसे सही किया, ये बेस्ट है आपके लिए। आप भी मिस्री, ये भी मिस्री, सब मीठा मीठा। क्रिमिनल्स जो है ना, बेचारे डायबिटीज से मर जाएंगे। थोड़ा अलर्ट रहिएगा मैडम सर, जैसा दिखती है ना वैसा है नहीं ये। तुमने कहा था ना कि हम शक्ल से बहुत समझदार लगते हैं। शक्ल से ही समझदार है, वैसे नहीं है। अगर वैसे होते ना तो पहचान जाते कि कौन किस फैमिली से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड से आ रहा है, और इस डिपार्टमेंट में कितना दम रखता है। गलत देखते हैं तो गलत के सामने एकदम से खड़े हो जाते हैं। फोड़ते पहले हैं, समझते बाद में हैं। क्या करें, इनबिल्ट प्रॉब्लम है।
बाकी तुमको तो हम जान नहीं पाएंगे क्योंकि हम छुट्टी पर जा रहे हैं। तुम तो यहाँ रहोगी इस थाने में, तो करिश्मा सिंह और उसके भौकाल को बहुत अच्छे से जान जाओगी। वेलकम टू महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। जय हिंद मैडम सर। ये जैकेट और ये नेल पॉलिश हमें दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अपनी वर्दी की इज्जत करना सीखिए। सॉरी मैडम सर। अपनी फाइल लेकर हमारे केबिन में आइए। इंप्रेसिव, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। आपने कांस्टेबल की पोस्ट से शुरुआत की, फिर हेड कांस्टेबल और फिर सीधा एसआई। बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है आपने। थैंक यू मैडम सर। बस हम तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा काम की बात। बिल्लू, बहुत दिनों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोगों को नकली दूध सप्लाई किया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रही। अरे रे, दूध में जानलेवा केमिकल मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में बीमार हो रहे हैं। जब हमने डिटेल में पता लगाया तो पता चला कि एक गैंग है जो इस मामले में इलीगली इन्वॉल्व्ड है। हमें इस गैंग को पकड़ना होगा और इस मामले को खत्म करना होगा। जी निवास त्रिपाठी, इस केस की सबसे अहम कड़ी जो इस फाइल में है, यही पहुंचाएगा हमें इस गैंग तक। जी देखिए, आप इसके बारे में क्या पता कर सकती हैं? एंड गेट बैक टू मी। बिल्कुल, यू मे लीव। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ हाँ कहिए। बहुत सुना है आपके बारे में और आपके सारे केस स्टडी किए यहाँ पोस्टिंग होने से पहले। बहुत प्रभावित है हम आपसे, और आपका वो जो जज्बातों वाला आइडियोलॉजी है ना, आय हाय हाय, वो तो मतलब दिल को छू गया। 100% सहमत है हम आपके विचारों से। अरे ऐसे ही होना चाहिए। अरे जज्बातों से मैडम जी सब कुछ बदला जा सकता है, वरना डंडे का क्या है, उससे तो जानवर भी हाँके जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इस केस को आपके तरीके से ही हैंडल करेंगे। पहला केस है हमारा और आप हमारी आइडल है, तो आपकी परमिशन हो तो हम आपके चरण छूएं। नहीं नहीं नहीं, यानी ये देखिए, आप पुलिस ऑफिसर हैं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, हमें ये सब पसंद नहीं। हाँ, कैसी चापलूस है। यस चीता चतुर्वेदी। मैडम सर वो बोलिए बोलिए। मैडम सर वो जो हेडक्वार्टर में नए वाले वॉकर के क्या वॉकी टॉकी के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी ना, वो खारिज हो गया है। अरे रे, डिपार्टमेंट ऐसी छोटी छोटी चीजें भी सप्लाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। मैडम सर, आपकी इजाजत हो तो ये काम हम करवा दे। आप? हाँ, अरे हमारे चाचा जी है ना, वो हेडक्वार्टर में ही तो काम करते। हम उनसे कह देंगे, आप बस हमें बता दीजिए कि आपको कितने वॉकी टॉकी सैंक्शन करवाने हैं। Are you sure? Very much sure, मैडम सर। अब आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। थाने के लिए? हाँ, थाने के लिए। ठीक है फिर, अगर आप करवा सकती हैं तो करवा दीजिए, that's fantastic। अगर कर ही रही हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए, ऑलमोस्ट सारे वॉकी टॉकी खराब हो चुके हैं। सर जी बिल्कुल मैडम सर, नो वरी, हम कल के कल सारी डिलीवरी करवा देंगे। जय हिंद मैडम सर। क्या क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए इस केस में हमें? मुझे तो लगता है हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। क्या नाम क्या बताया आपने अपना? बताया नहीं अभी मैडम। और बताती तो क्या बताती,
संतोष शर्मा। संतोष, तो आपका ये कहना है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। और संतोष हम ये कहे कि हम इस वक्त वही कर रहे हैं तो? तो मैडम मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि मेरा सुझाव आपने इतना जल्दी मान लिया। वाह संतोष, तो हमने एक इंग्लिश फिल्म में देखा था कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाला खुद अपराधी की जिंदगी जीता है। कौन सी फिल्म? तो आप ये कह रही हैं कि हम लोग भी दूध वाला बन जाएं? अरे क्यों नहीं, तुम तो लगते भी हो। संतु जी, अरे दूध वाला बनने से अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है तो क्यों नहीं? मैडम जी, मगर हमको लगता है कि अगर कानपुर जाना है तो बेंगलोर जाके क्यों जाए, सीधा सीधा कानपुर जाए तो? पुष्पा जी, बड़ी क्यूट है आप। इसीलिए हम कहते हैं कि घर में एक बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। ऐसी अकल की बात सिर्फ एक बुजुर्ग ही कर सकता है। पुष्पा जी, क्या बात है, क्या बात है? इतने भी बुजुर्ग नहीं है हम। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल सच बोल रही है। देखो अब यही होगा, हम जाते हैं निवास त्रिपाठी पर नजर रखने के लिए। और हम क्या करेंगे फिर? हाँ वो भी है, पगार मिल रहा है तो काम तो करना पड़ेगा भाई। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, आप लखनऊ की टेलीफोन डायरेक्टरी निकालिए और उनमें से फोन लगाइए और पूछिए उनको कि उनके घर में जो दूध आता है कहीं उनको शक तो नहीं कि उसमें मिलावट है। मगर डायरेक्टरी में से किसको फोन लगाए? सबको। हाँ सबको, मतलब वो डायरेक्टरी पूरा सबको? सबको। अगर हाँ कहा तो उनका नाम और पता सब नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, मगर ये सब करके होगा क्या? अरे मैडम सुनो, आई एम बिल्लू द स्पाई। लखनऊ में कब कहा क्या हो रहा है सबकी खबर इंफॉर्मेशन में रखता हूँ। इसीलिए तो हसीना मैडम कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी इंफॉर्मेशन जरूर लेती है, क्योंकि मैं हसीना मैडम का खास आदमी हूँ। हाँ ठीक है तुम पे बाद में आते हैं। हैं? पुष्पा जी, आपको जितना कहा है उतना कीजिए ना। क्या है ना, सीनियर से ज्यादा सवाल नहीं पूछते। जी मैडम। डोंट वरी मैडम, हम सब मिलके कर लेंगे। ना 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 ना, तुम लोग इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे, तुम्हारे लिए तो बड़ा ही आसान सा काम है। तुम दोनों थाने के रिकॉर्ड रूम में जाओगे और सारे अपराध और अपराधियों की फाइल्स चेक करोगे और देखोगे कि कहीं उसमें से कोई निवास त्रिपाठी का रिश्तेदार तो नहीं। मतलब जितना सारा सारे, और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। यार हेलो। हाँ जी, हम पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो बस रूटीन पूछताछ चल रही है हमारी। हाँ जी, हाँ एक बात बताइए हमको, आपके घर में जो दूध आता है ना तो उसमें कोई मिलावट होती है? चीते तू वहां देख। हेलो, हाँ आप सुनाई दे रहे हैं? दूध, हाँ कितनी फाइल्स बची है और बता? बस यही कोई 3-4 हजार और। अरे हम और जोर से नहीं बोल सकते, हमारा गला बैठ गया बात कर करके। क्या करे, झंड हो गई है भैंस की आज जिंदगी। अब हमारे प्रोफेशन में सारे रास्ते इस कचरे में से निकलते हैं ना, मार डुबकी इस कचरे में। ओ तेरी, ये क्या है बे?
शिंदे। शिंदे, आवाज देने के बाद क्या चिप रहा है वे? दिखा तभी आवाज दिया ना। शिंदे, ये क्या? वे? कचरा चोर, पुलिस, पुलिस, पुलिस। चुप। क्या सबको पता चलना चाहिए? ये देखिए सनी चंडा की सनसनी खेज। दिन में न्यूज रिपोर्टर का कावड़ गले में टांग कर घूमने वाला, रात में कचरा पीने का काम कर रहा है। गौर से देखिए इसे, अबे कचरा चोर। पहले तो तू ये बता, बाहर क्या कर रहा है बे? वो नई मैडम आई है ना, मिस्त्री मैडम, उसने मुझे अपनी बिल्ली निवास से बाहर कर दिया। मेरा बिल्ली निवास। चड्डे, तेरा ही सहारा है, तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर तो मैं वापस अपने बिल्लू निवास में चला जाऊंगा। करेगा ना कंप्लेंट? अरे पागल है क्या, नकली कंप्लेंट करने का मतलब समझता है? देखिए ये कचरा चोर चड्डा। करता हूँ कुछ जुगाड़। जुगाड़ नहीं, कंप्लेंट। हाँ कंप्लेंट, अब तो निकल, मैं अपने काम पे लगता हूँ। ए चड्डे, इसके पीछे ना और बहुत बड़ा डस्टबिन है, वो भी साफ कर देना, ठीक है? चीता, बदनाम भाई, हमारे लिए एक स्पेशल चाय लाओ। जय हिंद लखनऊ पुलिस। अरे बिल्लू, कल तुम यही सोए थे क्या? ए बिल्लू, कहीं पे भी सोया मिलता है तू? आदमी है कि सांप है? ए निकल, चाय पीने आया हूँ। ए मुझे चाय, बदनाम चाय। अरे ये क्या है? पुष्पा जी, ये तुम सबकी हालत ऐसे मशीन में निकले हुए गन्ने की तरह। ए बिल्लू, ऐसे बात करते हैं, चूसे हुए आम जैसे क्यों लग रहे हैं, ऐसा पूछ। अब यहाँ कितनी देर बैठोगे? थाने में नहीं जाना है क्या? हमको नहीं जाना। हमको नहीं जाना। आप बोलो। क्या बोलूं? हाँ मेरा ठीक है, आपका खराब है मशीन। बहुत सही। हमको अंदर नहीं जाना। एक मिनट। अरे बोल रही है कि उनको अंदर नहीं जाना है, मिस्त्री मैडम उन्हें कोई दूसरा काम दे देंगे, उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। हे परमात्मा, ये अंदर जाना नहीं चाहते और मुझे अंदर जाने नहीं देते। धैर्य बिल्लू, धैर्य। निकल ना निकल। हमको तो लगता है ना ये जो नहीं है ना। हेलीकॉप्टर, 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 हेलीकॉप्टर। हाँ बैठे की बड़ी तमन्ना है। हाँ फिर सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र। डम शराब खेलते। पुष्पा जी, सी हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। हिंदी 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 हिंदी। दो स्टार। हाँ क्वाली। हाँ ये जो मैडम आई, मिश्री 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 मैडम जो आई है दो स्टार वाली। हाँ वो जरूर जरूर जरूर। कोई नया कांड करेगी ना, कांड करेगी, कांड करेंगी। सबास बिल्लू, सबास। वही तो, मैंने भी उनको बोला कि मैं हसीना मैडम का मैं एकदम खास आदमी हूँ, तो मुझे बाहर निकाल दिया। पुष्पा जी, कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, हमें इस सब के बारे में मैडम सर को बताना चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है कि मिस्त्री मैडम जानबूझ के आपको परेशान कर रही है और ठीक से ट्रीट नहीं कर रही।
ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इनके काम करने का तरीका हो और बाकी सारी बातें सिर्फ आपके दिमाग में। पुष्पा जी, मैडम सर एक बात बताइए, अब 4000 फाइल केस में से त्रिपाठी के रिश्तेदार को ढूंढ कर निकालने का क्या मतलब है? नहीं, त्रिपाठी तो सामने है ना, उसके रिश्तेदार लोग इसे जड़ खोद कर निकालने से क्या फायदा होगा? आपको क्या हुआ? पुष्पा जी, मैडम सर इनके कहने का मतलब है कि पूरे शहर में हर एक के घर में फोन कर करके पूछने का मतलब क्या होता है कि आपके घर पे नकली दूध आया कि नहीं आया। बेचारी पुष्पा जी हर जगह फोन कर करके सिग्नल पकड़ पकड़ कर बोल बोल कर इनकी बोलती बंद हो गई है। अब जब ये घर जाएंगी तब वहाँ इनकी बहू करिश्मा मैडम वो तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगी और ये तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगी, इनको तो बस उनकी माननी पड़ेगी, तो ऐसे कैसे ये केस सॉल्व होगा? संतोष शर्मा, तरीका चाहे जो भी हो ये मत भूलिए कि ये आपकी सीनियर है। अब जाने भी दीजिए मैडम सर, हो जाता है कभी कभी, अभी अभी तो आए हैं, लग जाता है टाइम थोड़ा एडजस्ट होने में, और अगर फिर भी नहीं हुए तो डीसीपी साहब से कहकर कहीं और एडजस्ट करवा देंगे। खुद को ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी, तंटा ही खत्म है कि नहीं? सॉरी मैडम सर, वो हमारे इन्फॉर्मर का मैसेज आया है, ये बात करना चाहते थे हम आपसे कि उसने कहा है कि वो जो निवास त्रिपाठी है वो तो 2 हफ्ते से शहर में ही नहीं था, वो आज आ रहा है कोलकाता से 7 बजे की फ्लाइट से। एक काम करिए, तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको केस की सारी डिटेल्स दीजिए और रुकवाइए उस त्रिपाठी को। जी, कहिए कि उसकी पूरी चेकिंग करे, उसके लगेज में एक एक सामान अच्छे से चेक करे। जी, हो सकता है वो दूध में मिलाने वाले केमिकल साथ ही ला रहा हो, और अगर नहीं भी लाया हो तो कोई ना कोई और सबूत तो मिल ही जाएगा। जी ठीक है, आप रोकिए, बात करिए, और अगर नहीं होता है तो हमारी बात करवाइए। अरे नहीं नहीं मैडम सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे मौसा जी है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी में, वो करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके फाइन देन, गेट टू वर्क। जी क्या हम जाएं केबिन से? नहीं मैडम सर, हम जाते। आइए आइए आइए। तो हो गई तसल्ली, कर ली कंप्लेन, क्या हुआ? कुछ भी बिगड़ा हमारा? खाम खैर मूड का अंतिम संस्कार कर दिया तुम लोगों ने, चलो जाने दो। पुष्पा जी आप वो लिस्ट दिखाइए जिन जिनको आपने फोन किया था, और तुम दोनों वो लिस्ट निकालो जो निवास त्रिपाठी के रिश्तेदार है नहीं है, हो सकता है जो भी है, दिखाओ चलो। इधर है, अब क्या बोलना चाह रही हो? एक सेकंड पुष्पा जी रुकिए, हम बताते हैं, हमको बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं, फिर हम बोलेंगे। हाँ हाँ, हे भगवान, पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? ये सीनियर है हमारी, सोच समझ कर बोलिए आप। हाँ अरे लेकिन ये बोल क्या रही है, पगलेट बोल रही हैं। कह रही है कि आप जैसी बेवकूफ औरत आज तक नहीं देखी। बड़ी मेहनत से हमने ये लिस्ट बनाई है, सबसे हम यही कहना चाह रहे थे, समझ रहे?
सब समझ रहे हैं हम। तुम दोनों ये लिस्ट जो पुष्पा जी ने बनाई है, इन सारे नंबर पे दोबारा से फोन करो और ये कंफर्म करो कि उन्हें ये सवाल ठीक से पूछा गया है या नहीं, कि उनके दूध में मिलावट थी या नहीं। और आप पुष्पा जी, ये लिस्ट जो इन दोनों ने बनाई है, आप रिकॉर्ड रूम में जाएंगी और सारी फाइलें वहां पे क्रॉस चेक करेंगी और देखेंगी कि निवास त्रिपाठी का कोई भी रिश्तेदार इस लिस्ट में आने से रह तो नहीं गया है। और हमेशा की तरह ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। चलते हैं। अरे आपके अभी पाउडर वाला नकली दूध सप्लाई हुआ है, सिंथेटिक का? हाँ सर, हाँ, कभी आया है नकली दूध आपके घर पे? अरे भैया सुनिए सुनिए, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, दूध वाले थोड़ी बोल रहे हैं। क्या रेट चल रहा है मतलब, है पुलिस का रेट पूछता है? अरे तो दूध वाले थोड़ी है कि दूध का रेट बताएंगे हम तुमको। देखो बेटा देखो, हमसे ना फालतू चकल्लस करना मत, तुम समझ रहे हो ना, इतना मारेंगे ना कि छट्टी का दूध चोरी करेगा। छोड़ दे, बस बस बस, छट्टी कभी नहीं, आराम से लग रही है, बहाने बहाने में हाथ साफ कर रहा है। ओए भाई क्या चल रहा है? तो आप हैं इस थाने के नए सब इंस्पेक्टर मिश्री जी? क्या बात है, नाम और चेहरे का क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बोलने में भी मिश्री और दिखने में भी मिश्री। पुराना डायलॉग छेप रहा है, हसीन मैडम को पहली बार मिला तो यही बोला था। हाय, आई एम सनी चड्डा रिपोर्टर, पर आज मैं खुद एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ इस आदमी की। इसने मेरा पर्स चुराया मैडम, आप फटाफट इसकी FIR लिखिए और अंदर करिए इसे। ये तुमको कहीं देखा है हमने मिस्त्री मैडम? मिस्री मिस्री मैडम, आप इतनी जल्दी भूल गए मुझे? अरे कल ही तो आपने मुझे घर से मतलब लॉकअप से बाहर कर दिया था। बिल्लू द स्पाई, हसीना मैडम का खास आदमी। बिल्लू जी, अब देखो इसमें क्या है, आप शक्ल से तो लगते हो हमको जेंटलमैन। अब जेल का तो आपको पता ही है कि ना ही कोई जेंटल होता है, फिर ना ही कोई रहता है मैन। बहुत बड़ी दुर्गत हो जाएगी, हम बता रहे हैं आपको। ऐसे में तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। एक काम करते हैं ना, भगवान से ही पूछ लेते हैं। अगर हेड आया तो 5,000 देना और निकल लेना ठंडे ठंडे। लेकिन अगर टेल आया तो भाई समझ लेना कि इस बार तो भगवान का भी मूड नहीं है आपको बिल्कुल बचाने का। तो ये रहा। मेरे, इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान को क्यों तकलीफ देना? अब मुझे अंदर कर दो, बस मुझे अंदर जाना। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, हम यहाँ तुमको बचाने की बात करें और तुम? नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर कर दो। अरे अच्छा चलो ठीक है, खुद ही लिखो अपनी FIR। इतना सम्मान एक चोर को किसी थाने में मिला होगा, अपनी FIR खुद। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी रिपोर्टर साहब, लिखाओ अपनी रिपोर्ट। अब आप कह रही हैं मैडम तो करवा देते हैं। करो। हाँ भाई बिल्लू लिख। हाँ हाँ, तो मैं नूरपुर से गुजर रहा था। तो अचानक से किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरी जेब में से मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स कहाँ पहले निकला? मैं पीछे से ऐसे दबोचा, फिर गले की सोने की चेन निकाली। हाँ हाँ हाँ, चेन खींच ली, सोने की थी मैडम, और फिर मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स नहीं रे बाबा, उसके बाद अंगूठी, फिर ब्रेसलेट, फिर घड़ी, उसके बाद पर्स चुराया। हाँ हाँ, सब लिख दे, तुझे तो याद है ना? मैंने चुराया तो मुझे याद होगा ना। अरे बस भी करो यार, हो गया। लिखो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 294 के तहत में ये केस दर्ज होता है। दर्ज किया जाता है। साइन हम करेंगे। लाइए हम साइन कर देते हैं। अरे अरे वो लिखना नहीं है, इधर लाओ रजिस्टर, साइन हम करेंगे मतलब। अच्छा अच्छा, तो इसको निकाल देते हैं। हाँ भाई चलो, हो गई तुम्हारी FIR दर्ज। गोविंद बल्लभ पंत। जीती रहे, पीती रहे, हमें जीती रहे, पैर छुए ना, आशीर्वाद दे रहे तुमको। आवाज को क्या हुआ आपके? गई। कहाँ गई? फट गई। कम सुनाया कीजिए ना लोगों को। लल्ला कहाँ है? आए नहीं अभी तक। कितना काम करता है बेचारा।
गोविंद बल्लभ पढ़ रहे हैं? नहीं, करारे कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पुष्पा जी, और आपका ये जो बमबारी है इससे इससे हमें डिस्टर्ब हो रहा है। हम कुछ तो करें इस आवाज का, बोला तक नहीं जा रहा है हमसे, और ये सब हुआ उस नासपिटी सीनियर की वजह से। मिश्री मैडम, काम धाम तो कुछ आता नहीं है, बस ऑर्डर देने से मतलब है। अरे पूरा दिन फोन कर कर के नेटवर्क पकड़ते पकड़ते ऐसी हालत हो गई हमारी आवाज की, पता नहीं ऐसे कैसे नाकाबिल लोग भर्ती हो जाते हैं पुलिस में। का हुआ? अंडा। अंडा कहीं तो अंडा बना है। अम्मा ये पड़ोसी अपना ये टोपा कहीं के रोज अंडा बना रहे हैं, आजकल रोज का हो गया इनका। नहीं नहीं, मगर वो तो कोरोना की वजह से कब के गांव गए हैं। अच्छा, तो दूसरा पड़ोसी बना रहा होगा, आपको क्या करना है? अंडा का पीछे काय पड़ गई है? नहीं नहीं, कहीं तो अंडा बना है, अंडे का जो बदबू है ना हमको परेशान कर रहा है। हाँ पुष्पा, अरे अंडा का कुछ नहीं है। अरे वहां नीचे कहां आप कुछ कर रही है? कुछ नहीं है। क्या है ये? अंडा किसने रखा? आपके लल्ला ने ही रखा होगा ना, झूठ मत बोलो हमसे, समझी ना। हे भगवान, घर में अंडे और वो भी सावन के महीने में, घोर अनर्थ। पूरा का पूरा घर अपवित्र करके रख दिया हमारी बहू रानी ने। कैसी अधर्मी और भ्रष्ट बहू मिली है हमको भगवान, जो अंडा खा रही है छुपा के। पुष्पा जी, अरे क्या किया आपने और क्या इतना बवाल हो रहा है? अंडा ही तो है, पूरा दुनिया खा रहा है अंडा। तो दुनिया के पास जाके बैठो और खाओ अंडा, हमारे घर में नहीं। देखिए पुष्पा जी, पुष्पा जी नहीं, अम्मा है हम तुम्हारे। और वैसे भी जो बोलना है ना, अभी घर के बाहर जाके बोलो। छोड़िए, क्या कर रही हैं? ये हमारा घर है, देखो पढ़ो, पुष्पा सिंह हेड कांस्टेबल, और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं, समझी ना। हाँ हाँ माँ, पता है आपका ही घर है, कितना सेम डायलॉग बार बार हमें चिपकाइएगा, और का देख रहा है? भाग यहाँ से, घुसन मारेंगे, भाग। कितना ये आप ओवर एक्टिंग करती हैं हमारे साथ। हम एक मिनट, हम ओवर एक्टिंग, हमारे साथ बात कीजिए एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। नहीं अम्मा, इन्फॉर्मर का फोन था हमारे, वो त्रिपाठी है ना, उसको लेके बहुत इम्पोर्टेंट लीड मिला है। अच्छा क्या है? आप, हम सोच रहे हैं कि ये जो अंडे वाला मामला जो चल रहा है, अगर आप ये सुलटा देती हैं तो हम आपको लीड बता देते हैं। बताइए। इतना सस्ता नहीं है हमारा सम्मान। और वैसे हमको भी पता है, वो जो त्रिपाठी है ना, आज शाम को 7 बजे कोलकाता से आ रहा है फ्लाइट से। हाँ ठीक है, जाने दीजिए, छोड़िए। सुनो ना जी, घर की बहू ऐसे बाहर बैठ के बात करे तो अच्छा नहीं लगता ना, अंदर चल के बात करो अपने घर में। चल चलो। वैसे लीड क्या है? लीड ये है अम्मा कि वो त्रिपाठी है ना, वो आने वाला नहीं है, आ चुका है सुबह ही। वो 18 नंबर की कच्ची दुकान नहीं है अम्बेडकर पार्क के पीछे, वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, वहां छुपा है। अच्छा।
संतु जी। हाँ मैं संतु। मैडम सर पूरा कारखाना खाली, अंदर कोई नहीं है। क्या? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? करिश्मा सिंह की इन्फॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? हेलो पुष्पा जी और संतोष जी, क्या हाल है? अरे कमर दर्द इतना हो रहा है ना यार। अरे अबे यार। हाँ तो पुष्पा जी, कैसी रही आपकी रेड? कुछ हाथ नहीं आया, नील बटा सन्नाटा। मस्त फिल्म थी। ए पर ये फेक इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारी बहुरा ने, मतलब करिश्मा मैडम ने दी थी, और उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। अरे छोड़िए ना पुष्पा जी, आदमी तो एक मिल जाएगा। और संतोष जी आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। है ना, मुझे भी लगा आज मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ यूनिफॉर्म में, इसलिए दो सेल्फी पहले ही ले ली थी। अरे वाह, सेल्फी ली ना, अब हम दोनों मिलके एक फोटो ले लेते हैं। पुष्पा जी, हम अंदर से पिस्तौल लेकर आए क्या? क्यों? तो क्या है ना कि करिश्मा मैडम बोल रही थी ना कि उनका पिस्तौल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लाकर एक बार देख लेते ठीक से चल रहा है कि नहीं। अरे बैठो महाराज, बैठो, आओ चीते बैठो। आराम से। मैं तो बस यहाँ पर संतोष जी के लिए एक तोहफा लेकर आया था। मेरे लिए? आपके लिए। इम्प्रेसिव, तुमने बनाया ये? हाँ हाँ मैंने बनाया। अरे चीते की कसम, ये देखो। अरे वाह क्या बात है सनी, बढ़िया। ये तो सच में बहुत अच्छी है सनी। अब दिल से निकली हुई हर चीज सुंदर ही होती है ना संतोष जी, बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हारे दिल का भरता बना है। हम पुष्पा जी आइए, आपसे अकेले में कुछ बात करना है। हम अभी आते हैं, बताइए। देखिए हम जानते हैं कि आपका रेड फेल हो गया है, हमारे बताए पते पर आपको कोई नहीं मिला, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती है पुष्पा जी कि हमारी बताई इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता है। हाँ इस बार भी नहीं था, त्रिपाठी आया था, लेकिन आप लोगों के पहुंचने से पहले उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब हमारे में से तो किसी ने बात लीक की है भैया। मतलब आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में से ही किसी ने उनको? तो हम का बोले और पुष्पा जी, हमारे 6 लोगों के अलावा और किसको पता है? आप, हम, ये संतोष, ये टोपा, मैडम सर, और वो आई है ना नई जुगाली करती रहती है वो। हमको तो लगता है ना आपको ये बात हसीना मैडम को बतानी चाहिए, वो भी तुरंत। हम नहीं बता रहे हसीना मैडम को कोई भी बात, और हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, हम ये आपके लिए कर रहे हैं और इस थाने के लिए कर रहे हैं। बाकी जिसको बताना जाके बताइए, हमें क्या, हम तो छुट्टी पर है। पुष्पा जी मैडम सर का मैसेज आया, हम सबको अंदर बुला रही हैं और सनी को भी। चलो ये आपने लिखवाया क्या है मैडम? ये वो कंप्लेन है जो तुमने लिखवाई है बिल्लू के खिलाफ। हाँ जी, तो हमें एक बात समझ नहीं आ रही, बिल्लू ने तुम्हें मोलेस्ट कब कर दिया? मोलेस्ट? मोलेस्ट? वाओ मैडम सर, इसका मतलब क्या है? इज्जत पे हाथ। इज्जत पे? और वो भी चट्टे की इज्जत पे? उसकी इज्जत है का? चट्टे, इतनी किच्ची गिरी हुई वाहियात बात तेरे घटिया दिमाग में आई कैसे? बेटा रिपोर्ट तूने लिखी थी, मैंने नहीं, भूल गया? मैडम कोई गलतफहमी हुई होगी, अरे मैंने तो इसके खिलाफ मेरे पैसे लूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी, मेरी इज्जत नहीं। और मिश्री मैडम थी वहां पे, उन्होंने तो धारा लगा के साइन किए, ये देखो। क्या हुआ मैडम सर? ये आपके दस्तखत हैं? जी हाँ बिल्कुल हमारे ही है। ये सेक्शन 294 आप ही ने लिखा है? हाँ लिखा नहीं, लिखा इन्होंने है पर लिखवाया हमने है। क्यों, क्या हुआ? एक बात बताइए, सेक्शन 294 किस जुर्म के लिए लगाया जाता है? चोरी, छीना झपटी और राहजानी के लिए।
आर यू श्योर कि इन सारे अपराधों के लिए सेक्शन 294 लगाया जाता है? सेक्शन 294 ही लगता है मैडम, इसीलिए लिखा है हमने। सेक्शन 294 लगाया जाता है मोलेस्टेशन के लिए, अटैक ऑन अ वुमेन्स मॉडेस्टी, उसकी परमिशन के बिना उसे छूने के जुर्म में, उसकी इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में लगाया जाता है सेक्शन 294। और जिन अपराधों की आप बात कर रही हैं, छीना झपटी राह जानी, उनके लिए लगाया जाता है सेक्शन नंबर 379। और उसके लिए सजा मिलती है 3 महीने से लेकर 3 साल तक। 15 साल से इस लाइन में हूं। ये बात बिल्लू तक को पता है लेकिन आपको नहीं पता। मैडम सर, अभी बाहर करिश्मा मैडम ने बताया कि निवास त्रिपाठी को पहले ही पता चल गया था कि हम वहां रेड मारने वाले हैं, और इसीलिए पूरे तामझाम के साथ वो वहां से गायब हो गया। और करिश्मा मैडम को पक्का यकीन है कि ये खबर हम सातों में से ही किसी ने त्रिपाठी को दी है। क्या सोच रहे हैं आप मैडम सर? सोच रहे हैं कि इस पोजीशन और इस पोस्ट के लिए आप कुछ ज्यादा ही होशियार और काबिल हैं। इस तरह के ओवर स्मार्ट लोगों की हमें इस थाने में जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके हम यहां से आपका ट्रांसफर करवा देंगे। मैडम सर कि हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें लगता है कि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। देखिए, अगर टेल आया तो हम खुशी खुशी यहां से निकल लेंगे, लेकिन अगर हेड आया तो फिर समझ लीजिएगा कि अब तो माता रानी भी यही चाहती है कि हम यहां से कहीं और ना जाए। और जब माता रानी नहीं चाहती तो फिर आप तो क्या मैडम सर, किसी का बाप भी हमें यहां से नहीं निकाल सकता। लगा लीजिए आपको जितना जोर लगाना है, हम तो यही हैं। ये देखिए, माता रानी ने भी जवाब दे दिया, हेड आ गया, अब तो हम यही हैं मैडम सर, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। वाह, क्या बात है, मतलब एकदम मजा आ गया। एक ऐसा इन्हें आपको चैलेंज कर दिया। अब आप बताएंगे कि आपकी जो प्रवचन है वो हम पर ही चलते थे क्योंकि हम सुन लेते थे। अब साबित कीजिए, इस चुनौती का जवाब दीजिए। हम भी तो देखे दरिया में कितना पानी है और कितना आग है। वैसे तो उसूलन हम मक्खी और मच्छर मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी तुम्हारा यह चैलेंज मंजूर है। अब देखते हैं तुम्हारे इस ट्रांसफर को कौन रोकता है। देख लीजिए मैडम सर, आप भी यही हैं और हम भी। रेडी हैं आप लोग? मैडम से मैं निवास त्रिपाठी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से शुरू करती हूँ। तो ये है वो सिंथेटिक दूध जो निवास त्रिपाठी और उसकी पूरी गैंग बनाती है। दूध? सॉरी 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 मैडम सर,
वो सनी ने मेरा स्केच बना के मुझे गिफ्ट दिया था ना, तो फिर रिटर्न में मैंने उसको कुल्फी खिला दी थी, तो ये वहीं की फोटो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये है वो सिंथेटिक दूध जो निवास त्रिपाठी और उसकी पूरी गैंग बनाती है। संतु जी, ये सिंथेटिक दूध क्या होता है? चीते ये लोग ना पानी में व्हाइट कलर, डिटर्जेंट और ऑयल मिलाते हैं और फिर बहुत ही सस्ते से केमिकल का यूज करके इसे दूध का रूप दे देते हैं। व्हाइट कलर से दूध का रंग, डिटर्जेंट से झाग और ऑयल से चिकनापन, इस तरह बनता है इनका ये सिंथेटिक दूध और आम आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए इतना काफी होता है। हे भगवान, पैसों के लिए कितना गिर रहा है इंसान। मैडम सर, ये तो मासूम लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ है, कुछ भी करके इसे रोकना पड़ेगा मैडम सर। रोक ही लेते पुष्पा जी, अगर त्रिपाठी पर पड़ने वाली रेड की खबर पहले से लीक नहीं हुई होती तो अब तक तो उसे पकड़ के जेल में पटक चुके होते। संतोष, त्रिपाठी के पास आने वाले हर कॉल की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि उसको कब, किसने और कैसे इन्फॉर्मेशन दी। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। तो क्या चल रहा है? माफ कीजिएगा, वो आने में हमें थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, आपका शहर है ही इतना मशहूर अपने जायके के लिए कि हर मोड़ पर खाने की खुशबू हमें रोक लेती थी। तो कहां तक पहुंचा ये केस? वो क्या है ना कि हमारा शहर सिर्फ जायके के लिए नहीं, मेहमान नवाजी के लिए भी उतना ही फेमस है। आपने यहां तक आने की मेहनत ही क्यों की? आराम से बैठिए, चाय का लुत्फ उठाइए, केस हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं। चीता, चाय बुलाओ मैडम के लिए, मेहमान हैं हमारी। कोई बात नहीं जी, आपको हमें केस पर नहीं रखना है तो मत रखिए, क्या कर सकते हैं, अब सीनियर तो आप हैं, इतना तो बनता है आपका। लेकिन हम यही हैं, यहां पर आपकी सेवा में बैठे होंगे, जब भी जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। वो क्या है ना, मिस्री की याद तो तभी आती है जब मुंह जलने लगता है मैडम सर। जय हिंद। सर, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, मिस्री पांडे को बिल्कुल काम नहीं आता, वो इस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं करती है। आप प्लीज उसका ट्रांसफर करवा दीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये इतना आसान नहीं है मिस मलिक। मिश्री का कोई रिलेटिव बहुत बड़ा नेता है, उसने डायरेक्ट हाई कमांड से ये ऑर्डर्स पास करा लिए हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस तरह के नाकाबिल और नॉन डिजर्विंग लोगों की वजह से ही देश का ये हाल हो रखा है। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में अच्छी अच्छी पोजीशंस को ये घेर कर बैठे हैं और इसका भुगतान कर रही है हमारी आम जनता। नहीं सर, नेपोटिज्म का ये गंदा खेल हम अपने थाने में तो नहीं चलने देंगे। मिश्री पांडे का ट्रांसफर हो के रहेगा। जय हिंद। हे माता रानी, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रमोशन के एग्जाम की खबर आएगी, तो सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे, और देखिए हम आ गए। बस अब हमारा ना एग्जाम में हमको पास करा दो, फिर हमारा ये हसीना मैडम के नाम के भूत से ना पीछा छूट जाएगा। बस रात तो जगत यापी है, सब जानती है कि सबके मन में कहाँ चल रहा है, बस हमें पास करा दो। देखो फेल, करिश्मा मैडम पक्का फेल, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा पास जाएंगे करिश्मा मैडम, अबे पास जा, मेरा नाम बदल देना, 1000% करिश्मा मैडम फेल हो रही है। स्टाम्प पेपर लिखवा लो मुझसे, अबे एक बाल की जबान, हाँ लगा दो, करिश्मा मैडम के फेल होने पर आंख बंद करके लगा लो, सब उसी पर लगा रहे हैं, डबल मुनाफा कमाएगा। अंदर की बात बता रहा हूँ, 2500 लगा, मैं खुद बैठा हुआ हूँ। हाँ फेल, करिश्मा मैडम फेल, लगा दो, चल। हाँ खुदा हाफिज। अरे बड़े शुक्रिया। कौन फेल हो रहा है भैया? नहीं, सट्टा है, गैर कानूनी काम थोड़ी ना, और सट्टा लग रहा है हमारे फेल होने पे। हाँ जिंदगी से प्यार नहीं है तुमको? मैडम कसम से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या गलती हो गया? मतलब हम कुछ नहीं की, मतलब काम धाम कुछ खास है नहीं, धंधा मंदा चल रहा है, तो हम मार्केट वाले बस वैसे फोन पे टाइम पास कर रहे थे, सीरियस कुछ नहीं। कसम सारी बातें छोड़ो, वो टोपा आदमी कौन है जो इतना कॉन्फिडेंस से बोला है कि करिश्मा सिंह फेल हो जाएगी? हमसे ना
बदनाम चाय वाले ने बोला था हमसे। ज्यादा चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा मुंह भी तुम्हारी उंगली की तरह टेढ़ा कर देंगे हम। अरे हम तो चाय लेकर अंदर गए थाने में। हसीना मैम कुछ कह रही थी पुष्पा जी मैम को। क्या कह रही थी? बता रहे उंगली तो छोड़ बता रहे। आय 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 तजुर्बा कहता है हमारा करिश्मा सिंह इस एग्जाम में पास नहीं हो पाएगी। लो आय 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 पास भी कीजिए। तुम इधर आओ। हमने कुछ नहीं किया। इधर आ। मोर बनो और उड़ने के लिए तैयार हो। अरे नहीं। मोर बनो और उड़ने के लिए तैयार हो। अब तुम कंटाप लगाओगे इसको, ये लगाएगा उसको और वो लगाएगा तुझको। क्यों? वो बात भी ऐसी ट्रांसफर हुआ था ना, तो ये कंटाप भी अब ऐसी ट्रांसफर होगा, समझिए। अब शुरू हो जाओ इससे पहले कि हम शुरू हो जाए। मार जोर से। बस अब ऐसे ही लगे रहो जब तक हम रुकने के लिए नहीं बोलते। और जहां तक बात रही हमारे फेल या पास होने की, तो किसी का बाप भी हमको पास होने से रोक नहीं सकता, और ये साबित करके दिखाएंगे हम। संतोष शर्मा, कॉल रिकॉर्ड से क्या पता चला? जी मैडम सर, निवास त्रिपाठी को सिर्फ एक ही फोन आया था, वो भी सुबह 9 बजे से पहले। ये कॉल अमीनाबाद के किसी लोकल पीसीओ से किया गया था जो किसी चौनी जंक्शन के नाम पर रजिस्टर्ड है। बुलाइए इस पीसीओ के मालिक को, अब वही बताएगा कि रेड की खबर किसने लीक की थी। जो भी हुआ बहुत मजा आया। क्या क्लास ली है मैडम सर ने मिश्री मैडम की? सच्ची संतोष जी? और नहीं तो क्या, करके दिखाएं? चीता एक काम कर, तू मिश्री मैडम बन और तू वहां से उन्हीं की तरह एंट्री मार किया और मैं बनूंगी मैडम सर, ठीक है? चल फटाफट। चीते संतू जी, आप इतना प्यार से बोलिएगा तो हम तो कुआं में कूद के जान दे देंगे। एक्टिंग कौन सी बड़ा भारी चीज है। पहले एक्टिंग कर ली, कुएं में बाद में धक्का हम मार देंगे। ठीक है, मिश्री मैडम बनते हैं। मिश्री मैडम ठीक है। और बताइए मैडम सर, क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा फ्लैट? ये शहर सिर्फ जायके के लिए नहीं, मेहमान नवाजी के लिए भी उतना ही मशहूर है। तो बैठिए और लुत्फ उठाइए, केस हम देख लेंगे। अरे भाई मैडम के लिए कोई चाय मंगाइए, मेहमान है ये हमारी। हाँ क्या है कि हम तो माता रानी के बाबा भा। अच्छा है बेटा, तुम जैसे जोकर लोग आजकल बहुत डिमांड में हैं। अब तो ये नौकरी तुम लोग को की गई हाथ से। तुम लोग का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब हम च्युइंगम की तरह चबा नहीं गए ना, तो हमारा नाम भी मिस्री नहीं। मैडम सर, करिश्मा सिंह, कहिए कैसे आना हुआ? वो हम अपना लीव कैंसिल कराना चाहते हैं और वापस ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। अरे वाह, लेकिन आपकी एग्जाम का क्या? हमारा डेट आगे बढ़ गया एग्जाम का, और माहौल तो आप देख ही रही हैं। इस माहौल में हमें नहीं लगता कि हमारा डेट जल्दी पड़ने वाला है, इसलिए हम ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। हम आज ही डीएसपी साहब से बात करेंगे, उन्हें मेल करेंगे आपकी रिक्वेस्ट, और एक बार उन्हें पर्सनली भी फोन कर देंगे। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, प्रोटोकॉल है, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम जानते थे आप कुछ ऐसा ही जवाब देंगी, आखिर आप भी तो ये सरकारी मशीनरी का हिस्सा है। ये क्या कह रही हैं आप? प्रोटोकॉल आप भी अच्छे से जानती हैं, लेकिन आप कहना कुछ और चाहती हैं। खुल के गई। चलाने वाले चला रहे हैं सिस्टम,
और अपने भतीजों को, अपने बच्चों को उनकी मनचाही पोस्ट दे रहे हैं। और जो वेल डिजर्विंग होते हैं ना, वो या तो किसी नेता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। हो सकता है आपको भी एक फोन आया होगा, फिर आपको वो मिस्री दिखी होगी और उसमें आपको आपका रिश्तेदार दिख रहा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है मैडम सर, हम बैठे हैं यहीं पे, इंतजार करेंगे। आप बताइए हमको क्या करना है। मैडम सर उनकी तरफ से कोई बात नहीं पुष्पा जी, आप माफी मत मांगिए। हम जानते हैं कि वो गुस्से में, बस वही गुस्सा निकाल रहे हैं, इतना हम भी समझते हैं। जय हिंद। चतुर्वेदी, ऐसे रखता है क्या कोई नेम प्लेट? तो कोई भी आगे कहीं भी बैठ रहा है। अरे इसको ठीक से रखो यार। ताकि सबको सबको पता चले किसको कहां बैठना और कहां नहीं बैठना है, समझे? इंतजार करो, क्योंकि अब तो भाई यहां वही होगा जो हम चाहेंगे। पुष्पा जी कहां लेकर आई हैं आप? आप मुझे आइसक्रीम खिलाना चाहती हैं? थैंक यू पुष्पी, आई लव यू। संतु कितना बोलती हो तुम, चुप रहो ना थोड़ी देर, मैडम सर ने बुलाए तुमको। हाँ ओ, तो मैडम सर हमें आइसक्रीम खिलाना चाहती हैं? हमको नहीं पता, वो आएंगी तो उनसे पूछ लेना। क्या कि आइसक्रीम खिलाने के लिए बुलाया यहाँ पे? तो चुप करो यार, कब से आइसक्रीम 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 चल रहा है तुम्हारा, छोटी बच्ची हो तुम। पुष्पा जी, संतोष। जय हिंद मैडम सर। थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैडम सर आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया आइसक्रीम खिलाने के लिए। हाँ, भैया 3 आइसक्रीम दीजिए। बैठिए बैठिए, बैठो। दरअसल हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं, जिसका जवाब हमें पता तो है, फिर भी आप कहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। करिश्मा सिंह आपके लिए क्या है? बहुत कुछ है मैडम सर, इंस्पिरेशन है, गाइड है, फिलोसोफर है, टीचर है, बहुत कुछ है। और आप क्या कर सकती हैं उनके लिए? कुछ भी कर सकती हूँ। कल ही चौराहे से उनके घर पे दही लेकर गई थी। मैडम आइसक्रीम लीजिए। हाँ थैंक यू। तो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि करिश्मा मैडम इस थाने में वापस आए अपनी पोस्ट पर, उसके लिए जरूरी है पहले मिस्री पांडे को यहाँ से ट्रांसफर करवाना, और वो तभी हो पाएगा जब हमें उनके खिलाफ ये सबूत मिल जाए कि वो काबिल अफसर नहीं है। पर वो कैसे मैडम सर? एक प्लान है हमारे दिमाग में। बताइए मैडम सर क्या करना है? गालियां देनी होंगी, बहुत सारी, बुरा भला बोलना होगा, नफा नुकसान निकालना होगा। चीता मानेगा क्या? हमें बोलना होगा। नहीं नहीं मैडम सर, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए आप प्लान समझिए, अगर आप लोग हमें बुरा भला कहेंगे तो मिस्री पांडे को लगेगा कि आप हमसे नफरत करती हैं। यही मौका है मिस्री पांडे के करीब जाने का और उनसे उनके राज जानने का। जितना आप हमसे नफरत करेंगी उतना ही उनके करीब जा पाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है मैडम सर। क्या? मुझे गालियां देना नहीं आता। उसके लिए पुष्पा जी है ना, सिखा देंगी। हम? अरे नहीं नहीं मैडम सर, हमें गालियां नहीं आती, बहुत ही संस्कारी पूजा पाठ करने वाले सात्विक लोग हैं हम, कहां से आएंगी गालियां? कीड़े पड़े तेरे मुंह में, तेरा पूरा खानदान नरक में जाए, फूसी फूटे, तुम भैया जा खाए, तुमको कमी नहीं।
आइसक्रीम। इसकी आधी गालियां भी अगर सिखा देंगे संतोष जी को तो हमारा काम हो जाएगा। मगर मैडम सर एक दिक्कत तो है ना। अब क्या? संतु झूठ नहीं बोल सकती, इसके पेट में दर्द जो होता है। इसलिए आप हमेशा संतोष के साथ रहेंगी, अगर इन्होंने कोई भी गड़बड़ी की तो आप संभाल लेना। याद रखिए इस मिशन का मकसद है जितना हो सके उतना मिश्री पांडे के करीब जाना और इन्फॉर्मेशन निकालना। क्लियर? जी मैडम सर। गुड लक। बस बहुत हो गया संतोष शर्मा, ये पुलिस फोर्स है, यहाँ पर काबिलियत के साथ साथ एफिशिएंसी की भी जरूरत होती है, आप जैसे बेवकूफ लोगों की नहीं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है। सारे नॉन डिजर्विंग नाकाबिल लोग इसी थाने में भरे पड़े। लगता है आपका भी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। जाइए यहाँ से। इस तरफ से रोते हुए संतु, कोई मेरे पास नहीं आएगा प्लीज। सबके सब मैडम सर के चमचे हैं। चमचे? अरे चमचा कहा तो ये चीता हो गया ना। स्त्रीलिंग के हिसाब से हम तो चमची हुए है कि नहीं? सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो मैडम सर के चमचे। सब दूर चले जाओ, हट जाओ यहाँ से। संतु जी क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही? क्या हो गया हमको बताइए ना आप। अरे अब तो सारा लखनऊ जानता है कि हम किसके गुलाम हैं। तुझे बोला ना दूर हट, इरिटेट मत कर, निकल जा यहाँ से। जा 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 चीते जा। आप भी जाओ। हाँ हाँ हम भी जा रहे हैं। कमीनी, नर्क में जाए पूरा का पूरा खानदान उसका, नर्क में जाए। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, गलती से ऐसे चुबन गई है वो। हम सबको तो कीड़े मकोड़े समझती है, कीड़े मकोड़े। मेरा मेरा दिल करे ना गला दबा दूं कमीनी का, मरेगी वो, पूरी की पूरी मरेगी, श्राप लगेगा उसको। करिश्मा सुबह से लेके रात हो गई, ना तुमने कुछ खाया ना पिया। घर चलो थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं अम्मा आप जाइए, हमें मैडम सर से आज जवाब चाहिए। आप जाइए हम आते हैं। लेकिन तुम जाइए हम आते हैं। जय हिंद मैडम सर। डीएसपी साहब से बात नहीं हो पाई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम कल के कल किसी भी कीमत पर उनसे बात करेंगे, आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। करिश्मा सिंह घबराइए मत, भरोसा रखिए हम हैं यहाँ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। लेकिन सर हमें समझ नहीं आ रहा, जब करिश्मा सिंह के एग्जाम का स्टेटस क्लियर हो चुका है तो फिर मिश्री पांडे का ट्रांसफर होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बस एक छोटा सा ऑर्डर ही तो पास करना है। ऑर्डर्स पास हो चुके हैं मिस मलिक, अब आप करिश्मा सिंह को ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए कह सकती हैं। और हाँ, अब वो ड्यूटी रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर मिश्री को करेंगे। क्या सर ये आप क्या कह रहे हैं? ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं मिस मलिक। मैं तो सिर्फ आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, और हाँ आज के बाद आपके थाने की परमानेंट एसआई मिश्री पांडे होंगे और करिश्मा सिंह उनको रिपोर्ट करेंगे।
और उनको असिस्ट करेंगी। आप जो निवास त्रिपाठी की फाइल्स देख रही हैं, वो फाइल भी आप मिश्री पांडे को हैंडओवर कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद वही इस केस को हैंडल करेंगी। नहीं, I'm sorry sir, but this is, ये बिल्कुल गलत है। It's an order, Miss Malik. Okay sir, जय हिंद। जैन मैडम सर, मैडम सर, लगता है डीएसपी साहब का कॉल आ गया है, वरना कुछ नहीं तो अब हमें एक झूठी तसल्ली तो दे ही देती। करिश्मा सिंह अब ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन 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 आपको मिश्री पांडे को रिपोर्ट करना होगा। जुगाली को रिपोर्ट करना होगा हमें मैडम सर? आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा ना ये सुनके, जैसी कॉल आया होगा आपने बोला होगा ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, हमने इस फैसले की बहुत खिलाफत की है, लेकिन क्या करें, तो खिलाफत का असर क्यों नहीं हुआ मैडम सर? या तो आपने दिल से नहीं किया है। ओ या हम भूल गए, आपके जज्बातों का फंडा काम नहीं आया होगा ना इस बार, इसलिए जीत गया ये नेपोटिज्म का ताकत ना, जीत गया। अगर हमारे चाचा मामा ताऊ होते ना इस सिस्टम में तो हमारा बात भी कुछ और होता, लेकिन नहीं, हम ठहरे एक साधारण फैमिली के एक गरीब कैंडिडेट, जिसको आज तक यही लगता रहा कि तरक्की का मतलब होता है काबिल होना। आपके पास जवाब नहीं है ना हमारी बातों का, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस जुगाली की बच्ची को रिपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए।